अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं जब भी किसी शैम्पू का रिव्यू करूंगी वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगा, एसएलएस फ्री होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल केमिकल फ्री वाला शैम्पू कंडीशनर का रिव्यू करूंगी, साथ ही साथ ऑर्गेनिक हेयर ऑयल और हेयर सप्लीमेंट्स का भी रिव्यू करूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम के पेज पे मुझे बहुत से डीएम आ रहे थे कि हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर के साथ साथ आप हमें कोई बहुत ही अच्छा सा हेयर ऑयल और हेयर सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करें। तो ये सब चीजें जो थी वो मैंने एक साथ बाय की थी, एक साथ इन सब चीजों को मैंने इस्तेमाल किया है और अब मैं इनके रिजल्ट्स भी आप लोगों को शो करवाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयल की। चिल्टन प्योर का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल है, 100% प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया गया है। नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। सिंपली इस ऑयल को लेकर आपने अपनी स्कैल्प में इसका मसाज करना होता है। सीरियसली ये इतना अच्छा ऑयल है कि अगर आपको हेडेक है या आपको मतलब थकावट सी है ना, तो अगर आप इससे मसाज करते हैं अपने स्कैल्प में तो इतनी अच्छी आपको रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स मिलती हैं आपको, जैसे आपके दिमाग को टकोर नहीं होती किसी चीज़ के साथ, बिल्कुल आपको वैसा इफेक्ट आता है। बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो थोड़ी लाउड है, काफ़ी सारे लोग इसकी फ्रेग्रेंस से इरीटेट भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक बंदा कमरे में खड़ा होकर इस ऑयल को अप्लाई कर रहा है तो बाकी लोग कहेंगे की ला रहे हो तुसी, मतलब इस तरह की इसकी जो है ना वो खुशबू है थोड़ी सी, बहुत ही लाउड है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा लाउड है। एनीवेज अगर चीज अच्छी हो तो उसकी फ्रेग्रेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो जो है मैं अप्लाई करती थी हर दो दिन के बाद, क्योंकि मैं हर दो दिन के बाद हेयर वॉश करती हूँ, तो हेयर वॉश करने से 3-4 घंटे पहले मैं इसको अप्लाई करती थी और इसको यूज करते हुए मुझे 1 मंथ से ज्यादा ही होने वाला है। चिल्टन प्योर के रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल के अगर मैं रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो ये बालों में अच्छी खासी शाइन भी ऐड करता है, बालों को स्ट्रॉन्गर और थिकर भी बनाता है और साथ साथ लॉन्गर भी बनाता है। मतलब जिन लोगों को ये इशू है ना कि हमारे बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं होती, तो उनके लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। आपने मेरी जो लास्ट शैम्पू वाली वीडियो देखी होगी, मेडिकल ग्लो का चारकोल शैम्पू के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, वहां पर आप मेरे हेयर लेंथ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और वो वीडियो बनाए हुए मुझे 1.5 मंथ से कम ही हुआ है, तो 1.5 मंथ में ना इतनी हेयर लेंथ जो है वो मेरी ये कम से कम 3 इंचेस से तो ज्यादा ही है, इतनी हेयर लेंथ जो है ना मेरी इम्प्रूव हुई है बालों की, ठीक है। यानी कि हेयर लेंथ भी मेरी इससे अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, बाल तो अच्छे हुए ही हुए हैं। ये हेयर लाइन है, हेयर लाइन पे भी आप बालों की ये देखें ग्रोथ आप देख सकते हैं, दूसरी साइड पे भी इस तरह से काफी सारे बाल जो है ना वो आए हैं, क्योंकि हेयर लाइन पे मैं बहुत ज्यादा मसाज करती थी। अच्छा, इस ऑयल को जब आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपने कम से कम 10 से 15 मिनट तक जो है ना आप इस तरह से अपने स्कैल्प में अच्छे से इसका मसाज करेंगे और 2 घंटे तक तो आपने इसको जरूर लगा रहने देना। इस ऑयल के रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ रेड अनियन ऑयल या ब्लैक सीड ऑयल ही ऐड नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से और भी एसेंशियल ऑयल्स जो है वो ऐड किए गए हैं। और ये आपका ऑयल नेचुरल होने के साथ साथ एंटी लाइस भी है और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज भी रखता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक सीड ऑयल ऐड किया गया है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। तो हमारे स्कैल्प के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि उनको ट्रीट करके हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। फिर आपको पता है कि अनियन के अंदर सल्फर ऐड होता है जो कि थिकर, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर हेयर को प्रमोट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को हमारे स्कैल्प में इंप्रूव करके कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो क्या होता है कि हमारा जो हेयर फॉल होता है वो कंट्रोल होने लगता है और हमारे जो हेयर की हेल्थ है वो प्रमोट होती है, स्टिम्युलेट होती है। तो ये वाला जो ऑयल है मेरी तरफ से आपको 100% रेकमेंडेड है। तो अब बात करते हैं चिल्टन प्योर के फेनुग्रीक ब्लैक सीड शैम्पू और कंडीशनर की, जिनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, हैंडमेड हैं, ग्लूटन, पैराबिन, सल्फर, सिलिकॉन फ्री हैं और इनके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ऐड नहीं की गई, इसीलिए इनके अंदर से बदबू आती है। लेकिन जब बात होती है आपके हेयर ग्रोथ की, आपके हेयर की हेल्थ की, तो किसी भी बैड स्मेल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। नेचुरल शैम्पू और कंडीशनर को ना बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके तैयार किया गया है। फेनुग्रीक और ब्लैक सीड के जो हेयर बेनिफिट्स हैं उसके बारे में तो आप सब लोगों ने बहुत ही सुना होगा, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने बहुत ही कम देखा या सुना है कि कोई फेनुग्रीक, बल्कि मैंने तो नहीं देखा, पहली दफा देखा है कि कोई फेनुग्रीक या ब्लैक सीड शैम्पू और कंडीशनर हो। तो इनको इस्तेमाल करते हुए भी जाहिर बात है मुझे 1 से 1.5 माह होने वाला है और ये जो शैम्पू है ये बिल्कुल खत्म हो। कंडीशनर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हर दफा कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करती। इस शैम्पू के रिजल्ट्स की बात करूँ ना, तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शैम्पू जो है ना ये
झाग नहीं बनाएगा, लेदर क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शैम्पू चाहे अच्छा खासा झाग नहीं बनाता, लेकिन फिर भी ये झाग बनाता है, लेदर क्रिएट करता है, आपकी स्कैल्प को, आपके हेयर को अच्छे से क्लीन करता है, वॉश करता है। क्योंकि इस शैम्पू के अंदर चिल्टन प्योर वालों ने अपना जो कैस्टल सोप है वो ऐड किया हुआ है, और इनका कहना ये है कि हम जैसे आंवला रीठा होता है उससे शैम्पू बनाते हैं, उससे जो झाग बनता है ना, हमने आंवला रीठा से जो झाग बनती है वो लेके हमने इस शैम्पू के अंदर ऐड किया, मतलब इतना नेचुरली इन्होंने इसको बनाया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमने अपने बालों में ऑयलिंग की होती है तो ये ऑयल को अच्छे से नहीं निकालते, क्योंकि इनमें ज्यादा झाग नहीं बनती। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी इस शैम्पू का इस्तेमाल किया है ना, उससे पहले मैंने हमेशा रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल को इस्तेमाल किया है, फिर मैं इससे अपने बालों को वॉश करती थी। लेकिन फर्स्ट वॉश के बाद आपके जो बाल हैं वो उनसे ऑयल नहीं निकलता, आपको दो दफा शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ता है और अच्छी खासी अमाउंट में शैम्पू को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत बुरी बात लगी थी मुझे इस शैम्पू की। और शैम्पू कंडीशनर करने के बाद जो है वो बाल अच्छे खासे सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, बालों में शाइन आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गीले बालों में भी मैं अपने फिंगर टिप्स से जो है वो कॉम कर रही हूँ, बाल उलझते नहीं है बल्कि सुलझते जाते हैं। इस शैम्पू और हेयर ऑयल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये दोनों एंटी हेयर फॉल हैं, तो क्या इनसे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ? मैं आपके 100 बाल हैं वो तो गिरते ही गिरते हैं, ठीक है, वो यूजुअल है, लेकिन 100 से कुछ बाल ज्यादा गिरते थे। मैं अभी यहाँ पे आपको अपने गीले बालों में जो है वो ब्रश करके दिखाऊंगी। हालांकि मैं गीले बालों में ब्रश नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो फिल्म कर रही थी, शूट कर रही थी, तो इस वजह से मैं अब जो है गीले बालों में आपको ब्रश करके दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने बाल गिरते हैं। मतलब वो बात जो होती है ना कि आपका जीरो हेयरफॉल, वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हेयरफॉल मेरा होता रहा है, लेकिन मैं इस चीज के लिए भी किसी दूसरे को या किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करती। उसमें भी एक बात, एक फैक्टर जो है वो काउंट होता है, वो ये है कि पिछले 4 से 5 माह में ना मैं इन रिव्यूज के चक्रों में ही शैम्पूज को हर 1-1.5 माह के बाद चेंज करती रही हूँ। तो इस चेंजिंग से भी जो है ना हेयर की हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है। होना ये चाहिए कि हम कम से कम 3 माह तक कोई भी शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद हम अपने शैम्पू को चेंज करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये इसकी रीजन हो सकती है मेरा हेयर फॉल होने की। लेकिन हेयर फॉल इतना ज्यादा नहीं था कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, बिल्कुल नॉर्मल सा हेयर फॉल था, जैसा कि अभी आप देख भी लेंगे कि ब्रश में जितने बाल आए हैं, जितना हेयर फॉल था वो मैंने आपको दिखा दिया, बस इतना ही हेयर फॉल होता था जितनी दफा भी मैं हेयर ब्रश करती थी या शावर लेती थी। हेयर वॉश करने के ना 5-6 घंटों के बाद ही आपको शैम्पू या कंडीशनर के जो रिजल्ट्स होते हैं उनका सही मायनों में पता चलता है, क्योंकि 5-6 घंटों के बाद ना आपके बाल सेट हो जाते हैं। और मेरे तो बाल 1 दिन के बाद शैम्पू करने के, 1 दिन के बाद सेट होते हैं। क्लिप शूट किए हुए ना, ये मैंने 1 दिन पहले के किए हुए, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पर भी आप मेरे बालों को चेक कर सकते हैं, ये मैंने 1 दिन पहले के बाल जो है वो वॉश किए हुए हैं, ठीक है जी। तो बाल जो है वो आपके 5-6 घंटों के बाद या 1 दिन के बाद सेट होते हैं। तो कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद ना हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई रफ हो जाते हैं, रूखे रूखे से लगते हैं, उड्डे फुड्डे से लगते हैं, तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बालों में शाइन भी बरकरार रहती है, बाल सॉफ्ट भी रहते हैं, मैनेजेबल होते हैं, और बालों में ना मॉइस्चर का लेवल भी मेंटेन होता है। मैं हर वॉश के साथ कंडीशनर का यूज नहीं करती हूँ, मैं वीक में 1 टाइम ही कंडीशनर करती हूँ। अच्छा जी, ये शैम्पू जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये थी जो दिल को सुकून था, वो ये था कि शैम्पू बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर SLS भी मौजूद नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑर्गेनिक कंपनीज हैं वो भी अपने शैम्पू जो है वो बनाते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर SLS को जरूर ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर SLS भी ऐड नहीं था। शैम्पू मुझे बहुत पसंद आया। शैम्पू और कंडीशनर की जो बुरी बात है वो ये है कि ये प्राइसी है, मतलब कि कॉस्टली है। ये शैम्पू और कंडीशनर जो है ये आपको 3000 से ज्यादा में ही दोनों मिलते हैं। उसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, खासतौर पे शैम्पू की, और ये अच्छी खासी अमाउंट में लगता है। मतलब जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इसी फिक्र में रहते हैं कि बस मुकरने वाला है। अच्छा जी, तो हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर के बाद आ जाते हैं हेयर सप्लीमेंट्स के ऊपर। बायोटिन प्लस है मेरे पास न्यूट्री फैक्टर की, जो कि हमारे हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जब भी हमें हेयर लॉस होने लगता है या ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम होता है जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हमें बायोटिन सजेस्ट करते हैं कि आप बायोटिन वाला सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेडिसिन से बहुत ही दूर रहती हूँ, मैं ज्यादातर दवाइयाँ नहीं खाती। मुझे बहुत ज्यादा कोई मसला मसाइल भी हो जाता है ना, तो अगर मैं डॉक्टर के पास चली ही जाती हूँ
तो अगर एक डोज से मुझे आराम आ जाता तो मैं दूसरी दफा दवाई खाना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये जो थी मैंने इसलिए ली क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि जी हमें कोई ना कोई हेयर सप्लीमेंट के बारे में भी बताएं, हमें वो भी सजेस्ट करें। तो ये मैंने परचेज कर ली, ये मुझे मिली 950 रुपीज की। मैंने वैसे ऑनलाइन ऑर्डर की थी लेकिन ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से भी इजिली अवेलेबल होते हैं। न्यूट्री फैक्टर्स के जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपको मिल जाते हैं। 1 वीक तक तो इसको कंटिन्यूसली यूज किया, उसके बाद 2 दिन के बाद एक खाई, 4 दिन के बाद एक खा ली और मैंने इसको जो है वो खत्म नहीं किया। ये 12-13 टेबलेट्स जो है वो मैंने खाई थी, उसके बाद मैंने इसको नहीं इस्तेमाल किया। ब्यूटी फैक्टर के ये बायोटिन प्लस सप्लीमेंट्स जो है कि मैंने इस्तेमाल नहीं किए तो मैं आपको इसका रिव्यू भी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ। देखें ये जो टैबलेट्स है ना ये आपको मिलती है 1000 रुपीज में, 950 रुपीज में या 1000 रुपीज में ये आपको जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब अगर आपको सीवियर किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है और उसके लिए आप सप्लीमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो 1 माह के बाद जाके आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आप कम से कम 3 से 6 माह तक जो है वो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं तब जाके आपको जो भी आपका डैमेज है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो अगर आप यही 1000 रुपए की जो टैबलेट आप महीने में ले रहे हैं वही 1000 रुपए क्या आप ड्राई फ्रूट ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, आप बादाम, अखरोट, काजू, इनके अंदर अच्छी खासी अमाउंट में बायोटिन होता है, फिर अंडा, दूध, दही, पालक, टमाटर, इनके अंदर बायोटिन होता है, बनेना के अंदर होता है, ब्रोकली के अंदर बायोटिन होता है। आपने जो 3000 के ये सप्लीमेंट कंज्यूम करने हैं तो बहुत ही अच्छा हो कि अब तो वैसे भी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, आप 3000 का ना ड्राई फ्रूट लेके रख लें अपने घर पर, ठीक है। और रात को सोने से पहले आप 1 कप दूध के अंदर बादाम, पिस्ता, काजू और 2 इलायचियां डाल के अच्छा सा उससे फ्लेवर ऐड हो जाता है, और थोड़ी सी ऑर्गेनिक जो है ना वो टर्मेरिक यानी कि हल्दी ऐड करें, लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ऐड करके आप अपना गोल्डन मिल्क तैयार करें। आप यकीन करें कि इससे आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो इसको पीते ही आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, जब आपकी नींद पूरी होती है ना तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके हेयर भी अच्छे होंगे, आपके नेल्स भी अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपको सुकून भी होगा कि भाई हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है जी। तो बहुत हो गया, इतनी लंबी डिबेट के बाद भी अगर आप ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, अप टू यू, गो फॉर इट। और आपको बहुत से चैनल्स पर न्यूट्री फैक्टर के ये जो बायोटिन प्लस हैं इनके रिव्यूज मिल जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से ना आपकी बॉडी में अनयूजुअल सिम्टम्स भी हो सकते हैं किसी भी चीज के। बहुत ही अच्छा है कि हम जो बायोटिन रिच फूड होते हैं ना वही कंज्यूम करें। शुक्रिया कि वीडियो एंड हो गई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।